गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स फ्रैक्शंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन तो व्हाट इज फ्रैक्शन अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल पार्ट किसको बोलते हैं ठीक है, है? जैसे ये देखो मैंने सर्कल की शेप ड्रॉ की है तो ये होल पार्ट है मतलब कंप्लीट एक पार्ट है मैंने लिखा है ना यहाँ पे दिस इज वन होल ठीक है सो so, नेक्स्ट है हाफ अ होल इज डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट ईच पार्ट इज एज हाफ और वन बाय टू के साथ भी हम इसको लिखते हैं तो बेटा जब एक होल पार्ट को टू इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम हाफ बोलते हैं ये देखो जैसे सर्कल है ना ये इसको टू इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है तो ये जो पार्ट है ऊपर ये हाफ पार्ट है और नीचे भी क्या है हाफ पार्ट ठीक है तो टू इक्वल हाफ्स में मैंने देखो इसको डिवाइड किया है सो so नेक्स्ट है one third, तो अ होल इज इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट नोन एज और इसको हम वन बाई थ्री से भी लिख सकते हैं तो बेटे जब हम किसी भी होल पार्ट को थ्री इक्वल पार्ट्स में देखो डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये जो ईच पार्ट है ये देखो वन टू और थ्री तो ये जो पार्ट है ये कैसे है वन थर्ड है ये ईच पार्ट जो है वो किसके इक्वल है वन थर्ड सो नेक्स्ट है वन फोर्थ so तो वन अ होल इज डिवाइडेड इन टू फोर इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज वन फोर्थ ठीक है बेटा जब किसी भी होल पार्ट को हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो ईच पार्ट है ये देखो ये भी ये भी वन फोर्थ है ये भी वन फोर्थ है ये भी वन फोर्थ है, है और ये भी वन फोर्थ है तो इस तरह से इसको हम न फोर्थ भी बोल देते हैं बच्चे और क्वार्टर भी बोल देते हैं सो so, देखो नेक्स्ट मैंने ये एग्जाम्पल ली हुई है रेक्टेंगल की तो देखो ये इसका कंप्लीट पार्ट मतलब वन होल पार्ट मैंने शेड किया हुआ है तो इसको हम वन होल बोल देंगे ठीक है कंप्लीटली वन भी बोल सकते हैं नेक्स्ट है so, हाफ और इस शेप का रेक्टेंगल का देखो मैंने हाफ पार्ट शेड किया हुआ है ठीक है तो इसका फ्रैक्शन जो है देखो मैंने कैसे लिखा है वन बाय टू और हाफ भी लिख दिया या इसको मैंने ठीक है वन पार्ट मतलब शेडेड है और टू इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं ठीक है थीके? तो इसको फ्रैक्शन कैसे मैंने लिख दिया वन बाय टू यानी कि हाफ नेक्स्ट है ये रेक्टेंगल का देखो वन थर्ड पार्ट जो है वो शेड किया है मैंने तो फ्रैक्शन इसका लिखा है ना वन बाय थ्री मीन्स वन पार्ट शेडेड है और थ्री इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वन टू और थ्री तो वन बाय थ्री इसका फ्रैक्शन जो है वो आ गया तो नेक्स्ट है वन फोर्थ अब देखो इसके फोर इक्वल पार्ट्स में रेक्टेंगल को मैंने डिवाइड किया और जो इसका वन पार्ट है वो शेड तो है, है, है तो फ्रैक्शन लिख दिया इसका वन बाय फोर मीन्स फोर इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं और वन पार्ट इसका शेडेड है तो फ्रैक्शन आ गया इसका वन बाय फोर तो इस तरह से बच्चे हम किसी भी शेप का जो फ्रैक्शन है उसको मतलब शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं ठीक है तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स थे तो क्वेश्चन नंबर वन है टिक द शेप्स दैट आर शेडेड थ्री बाय फोर हमने बेटे सिर्फ उस शेप को आपने टिक करना है जिसमें थ्री बाई फोर पार्ट जो है वो शेडेड है तो देखो कौन सी शेप सबसे पहले फर्स्ट शेप देखो इसमें फोर पार्ट्स हैं पर सिर्फ टू पार्ट शेडिड है तो फ्रैक्शन इसका टू बाई फोर आएगा इट मीन हम इसको टिक नहीं करेंगे फिर क्योंकि हमने तो सिर्फ वही शेप टिक करनी है जिसमें थ्री पार्ट शेडिड हो क्योंकि थ्री बाई फोर फ्रैक्शन है ना यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं फोर और थ्री पार्ट शेडेड होने चाहिए तो बी पार्ट में देखो थ्री पार्ट शेडेड है सी में नहीं है तो सी को टिक नहीं करेंगे डी में थ्री पार्ट शेडिड है वन टू थ्री ठीक है टोटल नंबर ऑफ पार्ट फोर है तो इसको भी टिक करेंगे ई e पार्ट में देखो सिर्फ टू पार्ट शेडिड है फोर पार्ट में से ये भी टिक नहीं करेंगे हम तो एफ पार्ट में देखो फोर पार्ट में से थ्री पार्ट शेडिड है तो इसको टिक करेंगे तो इस तरह से बच्चे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है